हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, 7 फरवरी शाम 6 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले हम गार्डन में बना रहे थे, लेकिन गड़बड़ी होने के नाते बन नहीं पाया वीडियो। तो मैंने सब्जियाँ तो तोड़ ली, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया। तो अभी मैं इसको बना रही हूँ। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले तोड़ के लाई हूँ ये सारी सब्जियाँ अपने गार्डन से। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है ये सब्जी। तो इसमें हमने देखिए कॉलीफ्लावर का साइज देखिए क्या साइज है, और गांठ गोभी ये भी काफ़ी बड़े बड़े से हैं। तो बस इसमें, और ये है पत्ता गोभी, इसको भी मैंने हार्वेस्ट किया अपने ही गार्डन से। और रेडिस भी हमने अपने गार्डन से हार्वेस्ट किया, मूली, और ये स्प्रिंग आनियन, इसको भी हमने हार्वेस्ट किया। देखिए इसकी ताजगी देखिए सब्जियों की। तो ये सब हमने यहाँ से हार्वेस्ट करके लाई अपने गार्डन से। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है वेजिटेबल्स। इसको लगाते समय हम लोग इसमें, मतलब मेरा परिवार, हस्बैंड एंड वाइफ और साथ में काम करने वाले लोग मिलकर इसको हमने काऊ डंग पहले डलवा दिया खेत में। उसके बाद हमने तैयार की थी ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो उसको जो ऑर्गेनिक हमारे खेत से निकलता है कंपोस्ट, जैसे कि धान का भूसी, उसके पुआल और उसके जो खरपतवार हैं, जितने वेस्ट धान साफ करते समय निकलते हैं, सारा उसमें हम ले जाके डाल दिए। एक गड्ढा खोद के रखे थे, उसमें हम लोग डाल दिए, और पुआल भी इसका जो निकलता है लंबा लंबा, उसको भी डाल दिए, और गेहूं का भी जो निकलता है। तो इस, और जो हमारे किचन से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, और जो मैं सब्जियां उगाती हूँ उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जितने पत्ते वत्ते निकलते हैं सब उसमें डालती जाती हूँ। तो उससे वो जो खाद तैयार किए जैविक, तो उसको भी हम इसमें डाल दिए। इसके अलावा हम इसमें कोई खाद नहीं डाले। तो ये इन्हीं दो खाद से तैयार हुआ है। तो ये हमारे मेहनत का नतीजा देखिए हमारे सामने है। और ये पूरी स्वास्थ्यवर्धक भी है ये। हमने इसमें कोई रासायनिक खाद, मतलब फर्टिलाइज़र नहीं डाला। तो ये ना ही इसमें कोई बर्मी कंपोस्ट या कोई और, बस दो तरह का ही खाद हमने डाला है। तो ये काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।